आगे बढ़ेंगे, आगाह करेंगे आपको। कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम और उसके बेटे आसिम मंशा के खिलाफ कब्जे के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत। अदालत ने मुलजिम मंशा बम और आसिम मंशा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से तफसील जानेंगे नुमान चौधरी से। जी नुमान बताइएगा। जी बिल्कुल, दर्शकती की खसूसी अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम और इसके बेटे आसिम मंशा के खिलाफ कब्जा के मुतलिक मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत हुई। दर्शकती की खसूसी अदालत के अजमंजा शेख सजाद के रूबरू मुजरिमों को पेश किया गया, जिनमें आसिम मंशा और मंशा बम को साथ इनके जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजमों को अदालत में पेश किया गया और मुलजमों की जानब से वकील अदालत में पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि मुलजमों का जो है वो अभी तक 30 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा चुका है, मुलजमों से तफ्तीश भी मुकम्मल की जा चुकी है, लिहाजा मुलजमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए जाए। जिस पर अदालत ने बताया कि मुलजमों को जो है वो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों मुलजमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए हैं और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि मुलजमों के खिलाफ जो मुकदमा। बहुत शुक्रिया आपका नुमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए।